नवरात्रि के मौके पर जगह जगह पर शक्ति की पूजा की जाती है। मंदिरों में, घरों में, सब जगह माँ दुर्गा के अष्टभुजाओं की पूजा होती है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। मान्यता है इस समय देवी की शक्ति का वास पूरे ब्रह्मांड में फैला होता है। चारों तरफ पूजा पाठ का माहौल होता है। मंदिर में भजनों की गूंज सुनाई देती है। घरों में लोग व्रत रख रहे हैं। दिन भर दिन कीर्तन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस देवी की हम पूजा कर रहे हैं उनके अष्टभुजाएं क्यों हैं? आखिर क्या है उन अष्टभुजाओं का महत्व? नवरात्रि, जो नारी शक्ति को नमन करने का एक महापर्व है। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के नौ रूपों की आराधना। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के नौ रूपों की आराधना ही नहीं करते हैं, बल्कि नारी शक्ति के उन विभिन्न रूपों को नमन करते हैं जो सृष्टि के आदि समय से इस संसार का संचालन कर रहे हैं। आठ भुजाओं वाली माँ का रूप अति मनोरम है। वहीं ये जानना भी बेहद रोचक है कि उनके रूप से जुड़ी हर चीज उनकी अपार शक्ति का प्रतीक है। जानते हैं उनके रूप से जुड़े रहस्य और क्या है इनका महत्व। सिंह पर सवार माँ दुर्गा अपनी अष्ट भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, धनुष, तलवार, त्रिशूल और कमल धारण किए हुए भक्तों को भय मुक्त करती हुई और दुष्टों का दमन करती हुई नजर आती हैं। ये भुजाएं इस बात का प्रतीक है माँ हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा के लिए मौजूद रहती हैं। माँ दुर्गा इस रूप में दया, क्षमा, शांति, कांति, श्रद्धा, भक्ति, ममता, सहनशीलता, करुणा और अन्नपूर्णा भी दिखाई देती हैं। और यही सारे गुण भारतीय नारी के भी आभूषण हैं। दुर्गा माँ को त्र्यंबके भी कहा जाता है, जो है तीन आँखों वाली। आपने देखा होगा भगवान शिव को भी त्रिनेत्र कहते हैं, जिनकी तीन आँखें थी। माँ दुर्गा को भगवान शिव का ही आधा रूप माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। देवी दुर्गा की तीन आँखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है इसके जरिए दुर्गा तीन ऊर्जाओं का संतुलित करती हैं। आप भी नवरात्रि के इस खास अवसर पर श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें। देवी दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी।